सुप्रभात, मेरा नाम शांभवी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यमराज से मुलाकात और जिसके रचयिता है युवा कवि श्रीमणि सिंह। एक बार रास्ते में मुझे मिल गए यमराज और बोले, बेटा तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया आज। मैं बोला, प्रभु मैं तो जलेबी की तरह सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी क्या मजबूरी है? आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले, बेटा इस तरह जीना दुखाओ, गधे तो पहले से हो, फेयर एंड हैंडसम से सुंदर भी बन जाओ। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो, पर तुम्हारी बातें सच्ची हैं, सो अपने प्राणों को छोड़कर 3 वरदान मांग लो। मैंने 2 वर मांगे, प्रभु मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। यमराज बोले, बेटा यह तो असंभव है, इसकी जगह तो अपनी उम्र 20 साल और बढ़ा लो। मैंने आखिरी वर मांगा, प्रभु कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। इस पर बोले, अरे नादान, क्या ये भी नहीं जानता कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है? जब मैं स्वयं धर्मराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ, तो खुद ही सोच कि यहाँ से भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है। मगर याद रख कि अगर तुझ में सच्चाई होगी तो तेरे उन्नति के रास्ते खुलते जाएंगे, तेरे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ते और दुख पानी के स्रोत की तरह घटते जाएंगे। आशा करती हूँ आप सबको बहुत मजा आया होगा। धन्यवाद।